सदा कोई तो छोड़ के चले गए घर, वो इस पता करते हैं उनसे और कोशिश करते हैं रابطہ करने की। अभी तो बता रहे हैं कि इस इलाके में तो नहीं है वो। अच्छा, वो होता है ना, बात मशहूर होती है, इलाके में फैलती है, तो किसी इलाका मकीन ने जो है ना ये हम तक बात पहुंचाई है कि जी अभी ये हुआ है हमारे एरिया में। जैसे हमने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है अपना, मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, दोबारा 03218288411 स्क्रीन पर भी आ रहा होगा। तो इस पर जो लोग रابطہ करते हैं हमसे, उनमें से किसी ने जी ये बताया कि ये हो गया है यहाँ। शाह अली गोट बता रहे हैं, शाह अली गोट जी एरिया है, में बारिश की वजह से थोड़ा रास्ते में जगह जगह पानी जमा हुआ है। पूरी कोशिश है टाइम पर पहुँच जाए, यहाँ से मेरे ख्याल से 15-20 मिनट में पहुँच जाना चाहिए हमें। यार ये समझ नहीं आती हमें, जगह जगह ये कौन फेंकता है इधर ये कोयले, वहाँ मुझे लगता है फैक्ट्रियों का सारा कोयला जमा होता है जी यहाँ पर। ये देख लें आप कि फैक्ट्री बहुत है इधर आसपास, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो शायद उनके कारखानों से निकलता ही है, यही होगा। आप देख सकते हैं कोयला ही कोयला जी यहाँ पर ढेरियाँ बनाई हुई है, और इधर ही जाना है हमने। माशाल्लाह गाँव का माहौल जैसे आपको बताया, आस पास वैसे ऐसे ओपनली नहीं फेंकना चाहिए सुर में, जैसे कहते हैं ना कचरा कुंडी बना देना जगह को, जहाँ तक पोजीशन है यही गलती करते हैं लोग हैं उनके गली में ये लोग जमा हैं, वो देखें छत पे भी जमा है काफी लोग, वो देखें सामने लोग जमा हुए हैं नीचे जी, ये ऊपर छतों पे भी चढ़े हुए हैं, मेरे ख्याल से वहाँ जगह है। ओके, आबादी तो है आसपास, लेकिन है कच्चे ही मकान से, कच्चे गांव वाला माहौल है, चादरें डली हुई हैं दरवाजों पर पर्दे के लिए। यार बड़ी अजीब सी चीजें मिली है, मारा नहीं है ये, ऐसे ही है पूरा दरक नहीं यार, नहीं, ये जहां जहां वार लगा हुआ है, ये कट के निशान है ना, ये काटा है ना, ये कट के निशान है, वो भी गिरे पीछे, ऊपर कपड़े बंधे हुए हैं, काटने की कोशिश की गई है, कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं, पता नहीं, अजीब सी चीजें मिली तो है यहाँ पर। अभी तो अंदर से देखते हैं इसको, आइए। अच्छा, एक दरख्त सामने आपके, एक दरख्त सामने हमने पीपल देख लिया, इधर ही बेरी भी देख लिया, इधर ही, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। सोलह ये कपड़े क्यों बांधे हैं, इतनी ऊपर बांधे कैसे हैं जाके, बांधे कैसे हैं, बारी घुस जाते हैं ना अंदर, क्यों कैसे, ऊपर कुछ गुच्छा सा नजर आ रहा है कपड़े का, ये पता नहीं समझ नहीं आ रहा, एक ब्लैक कपड़ा तो लिपटा हुआ ये नजर आ रहा है, ये लेडीज कपड़े हैं सुहेल भाई, जी 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 है तो लेडीज कपड़े, ये को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मुझे पता चला। अच्छा, मुझे जब मैंने वीडियो में देखा था ये दरख्त, मुझे शक हुआ था यहाँ पर, मुझे शुरुआत से बताएं कि क्या हुआ था, पहले आपने पत्थरों का जिक्र किया। सर ये रात को 12 बजे के बाद पत्थर बड़े बड़े यहाँ पर गिरते थे नहीं? इधर जी जी ऊपर से दरख्त से। अच्छा, इधर से जी, उसके बाद फिर पड़ोसियों ने ये कपड़ा वगैरह बांधा था ना, उसके बाद फिर कपड़ा निकालने के लिए कोई आया, उसको मतलब नहीं, कोई भी मतलब नहीं छोड़ रहा है, फिर उधर दरख्त पे कोई तपर वो नहीं काम वाला होता है, काम वाला आया था, काम वाले को मतलब बोला था भगा दिया उसको, वो गिर गया। तो ये कपड़ा क्यों बांधा सर? ये मौलवी ने बोला था कपड़ा बांधो, उसके बावजूद भी फिर भी कपड़ा, उसके बावजूद भी समझो फिर
कोई वो कपड़े का असर नहीं हो गया, उसके बावजूद भी पत्थर आ रहे थे ऊपर से। अच्छा, ये कपड़ा दिया गया बांधने के लिए? जी मतलब कोई आसार पत्थर आते रहे? बिल्कुल, उसके बाद भी तंग करने लग गया ये। आपने भी महसूस किए थे पत्थर वो? हाँ, मैंने भी महसूस किया था बहुत बार, क्योंकि यहाँ पर आने किसी को नहीं देता है। तो ये फिर काटने की क्या बात कर रहे थे आप? ये काटने की मतलब दर्ज, ये बड़े थे ना इसलिए उन्होंने बोला, उस काम वाले को दर्ज काटने वाला होता है ना, उसको काटने के लिए बोला था। वो जब दर्ज काट रहा था, जब काटने लग गया वो गिर गया नीचे। अच्छा, दर्ज काटने वाला भी जो है ना? जी वो तो उसने क्या कहा? वो उधर ही गिर गया, बोलता है भी मेरे को तोबा है भी, वो भाग गया अपना, वो तपर फेंक के यहाँ सर जो भी आता है ना, खौफ के मार डर के भाग जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसी को आने नहीं देते ना। ये काटा मतलब काटने का किसने कहा आपको? काटने का मतलब जो फैमिली रिहायश कर रहे थे ना यहाँ पर, उसी ने कहा था कि काट देते हैं। जी फिर पत्थर नहीं आएंगे? जी पहले कहा कपड़ा बांध देते हैं। जी उस पर भी कोई असर नहीं हो गया था कपड़े का, पत्थर आ रहे थे। फिर आप काटा तो काटने वाला भाग गया? जी फिर उसके बाद समझो ये काटने वाला भाग गया, उसके बाद फिर भी बच्चों को, छोटे बच्चे हैं ना, रात को खौफ के मारे समझो इस तरफ नहीं आते, डर के मारे यहाँ नहीं आते, क्योंकि खौफ ज़्यादा होते हैं ना, ज़्यादा यहाँ पर आवाज़ें आती है। घर पे जो सो रहे थे ना सर, जो रात को चादर जो ऊपर किया ना, चादर भी उन लोगों का खींचा था निकाला था, वो फिर भी नज़र इधर उधर ऊपर नज़र नहीं आ रहा कोई बंदा समझो। मखसूस इस जगह से होता है या जगह से भी होता है सर? इससे घर से होता है तो वॉशरूम के साइड से, वहाँ से, सब हर जगह से होता है। यहाँ पर है भी सर, हाँ, नज़र नहीं आता है, कोई नुकसान नहीं देता है, सही है ना? जो गंदा अल्लाह ना करे कोई बच्चे ने पेशाब किया जगह पे तो नहीं छोड़ता है, नुकसान देता है। अच्छा, तो हाँ। बच्चे तो छोटे होते हैं ना, मतलब वो तो कर जाते हैं। अच्छा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई नुकसान नहीं देता है, तो डराता है इसीलिए ना बच्चों को, जो भी आता है डर के खौफ से भाग जाता है यहाँ से। कितने लोग भाग चुके हैं? बहुत सारे, 2-3 फैमिली पहले यहाँ थे 2 साल पहले, फिर हो गए, फिर दूसरे आ गए, फिर अभी यहाँ ही रहते। तो अब ऐसा क्या हुआ? अब ये सर अभी भी 800 वगैरह होते हैं, अब इधर मतलब फैमिली सो रहे थे ना घर पे, उन लोगों का चादर 2-3 दफ़ा ऊपर से निकाला है, वो फैमिली परेशान हो गए, यार मंदे तो कोई नज़र नहीं आ रहा, चादर किसने ऊपर से निकाला, वो फैमिली दूसरे दिन तो घर छोड़ के भाग गए। अच्छा, वो जो कहते हैं कि वो जो खौफ के मारे भाग रहे थे कि देख लिया, क्या देख लिया था सर? नज़र नहीं आता, ये ऐसा मतलब है ना, नज़र नहीं आता। अच्छा, देखा नहीं है? नहीं, नज़र नहीं आता है, जैसे साया नहीं होता है, काला सा साया, ऐसा ही है। ठीक है, बहुत सारी फैमिली चली गई, अब ऐसा क्या हो गया? अब किससे क्या ऐसी गलती हो गई कि किसी को भी नहीं आने दिया जा रहा? बता रहे हैं ना कि वो काटा ना इसको, कुल्हाड़ी को, काटने वाला तो भागा ही भागा। हाँ। और पहले मसले यहाँ तक थे, फिर अंदर पहुँच गए घर के अंदर, उसके बाद अंदर पहुँच गए सर। इनके साथ भी बेचारों के साथ हुआ है? अंदर ऐसे दरवाजों का आवाज आता है, बच्चे नहीं जाते बाहर, रात को बस बाहर ही नहीं निकलते, 8 बजे के टाइम से बाहर नहीं निकलते, यहाँ पर नहीं आते। वो कपड़े दिखाएंगे मुझे, चल के सर आ जाए। ये इतने ऊपर बांधे कैसे? अरे ये ऊपर से छोटा बच्चा था उस टाइम में, दिन में ऐसा समझो नहीं होता है, जो रात के टाइम है ना, रात के टाइम में यहाँ ऐसा खौफ होता है, यहाँ आप खड़े हो जाओगे ना आपके ऊपर बड़े बड़े पत्थर आएंगे सर। अच्छा, बारह बजे 1 बजे के बाद ऐसा खौफनाक माहौल होता है यहाँ पर। तो बच्चा आ रहा था इस तरफ रात के टाइम में, पता नहीं बच्चे ने क्या किया, यहाँ पर बच्चे के ऊपर पत्थरों का समझो हमला हो गया, और बच्चे ने साया भी देखा था, छोटे बच्चे ने बोलते काला सा साया, आंखें लाल लाल हैं उसके, वो बच्चा मजीद भाग गया समझो, ऐसा रोने लग गया था, सुबह तक रो रहा था बच्चा, आंखें लाल सुर्ख। जी सुबह तक रोने लग गया था बच्चा भी, सुबह तक। जी खामोश नहीं था, ऐसे डर के मारे, खौफ के मारे रात से फिर उसको दम वगैरह करवाया है, मजीद कह रहे साये देखे, बड़ों ने भी साया देखे। जी नहीं, बड़ों ने नहीं देखे, बच्चों ने, बड़ों के सामने पत्थर वगैरह फेंकते हैं, बड़ों के सामने नहीं आते, बड़ों को मतलब चादर वगैरह जो सोने के टाइम में बड़े चादर सर पे करते हैं रात के टाइम में, गर्मी के टाइम में, सर्दी के टाइम में, मतलब कंबल हो या चादर हो, वो
सर से चादर खींचते है, चाहे कहीं भी अंदर कमरों में। हाँ। कमरों में सर। कोई वक्त पता है कितने बजे होता है ऐसा? तकरीबन 2-2.5 बजे के टाइम। अच्छा, मैंने भी आवाज सुनी थी बुलाने की, मुझे गेट तक याद है, गेट तक कोई आया था पीछे। कल भी ना जाए, अभी ना जाए, ऊपर तो नहीं है। क्या चीज है यार ये, अल्लाह ने बचत कर दी भाई। क्या चीज है यार ये है हमारे आसपास ही जा रहे। ये सोहेल भाई साथ है हम लोगों के, तीनों के साथ ही है। और ये एक नहीं है, दिखा है कि भाई कदमों की आवाज आपने नोट की कितने लोगों की थी, और पत्थर फेंकने वाला कोई एक नहीं था यार। बारिश हो गई सज्जाद भाई, मैंने आपको बोल रहा था कि बारिश हो रही है सज्जाद भाई, बारिश हो रही है यार। थर 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 पत्थर ही पत्थर, फिर वो पहले नीचे फिर हमारे ऊपर, मेरे यहाँ पत्थर आया है, मैं यूं बचा हूँ यार। हालांकि कितना गुंजान आबाद इलाका है, जुड़े हुए हैं घर आसपास, कोई आवाज आ रही है आपको किसी की? यार ऐसा लग रहा है कोई रहता ही नहीं है, मतलब सन्नाटा हो गया है यहाँ पर। अभी आधी रात नहीं हुई है, मैं आपको बताऊँ 9-10 बजे का वक्त है रात का, और ये हाल है। ठंड भी तो देखे ना कैसी पड़ रही है यार। वो आसपास क्या मतलब, यहाँ जाना नुकसान दे है, बाग में हो सकता है कोई गलती बहुत बड़ी भी है। आपको मैं शाम से कह रहा हूँ कोई बहुत बड़ा मैटर है ये, जो ये नहीं बता पा रहे हैं। अभी भी हम जो है ना महफूज नहीं है, ना खैर क्योंकि जगह उसी की है भाई।